दोस्तों मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है एसएससी सीएचएसएल 2020 18 मार्च के सेकंड शिफ्ट के पेपर की एनालिसिस लेकर मैं आप लोगों के सामने हूं। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। पेपर इजी आ रहे हैं, मैंने पहले भी बताया है इसके पहले भी। तो इस बार का जो जीके का सेक्शन है वो तो और भी ज़्यादा ईजी है। सिर्फ आपको इतना याद करना है कि करेंट अफेयर्स का पार्ट बढ़ता जा रहा है। 5 से 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन तक करेंट अफेयर्स के देखे जा रहे हैं। तो करंट अफेयर्स पे आपको खास फोकस करने की ज़रूरत है। पिछले 4 महीने के करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। पिछले 4 से 5 महीने पे अगर हम जाएं तो करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अभी आपको उसका प्रूफ मिल जाएगा इसी एनालिसिस में कि कितने महीने का करंट अफेयर आपको पढ़ के जाने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर अपने इस पूरे सेशन की। चलिए तो सबसे पहले आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। पूछा था कि भारत के स्वतंत्रता, जब भारत को स्वतंत्रता मिली 1947 में, उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली उस वक्त प्रधानमंत्री थे। प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है? अब ये तो ऑप्शन देख कर पता चलेगा, क्योंकि अधिकतर नदियाँ जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में ही जाती हैं, क्योंकि उधर ही ढाल है। हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत का ढाल है, स्लोप है, तो उधर ही है, तो अधिकतर नदियां वहीं पे जाके अपना जल गिराती हैं। प्रश्न था, भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो मैंने अभी लाइव सेशन लिया था 2 दिन पहले। 2 दिन पहले के लाइव सेशन में मैंने गुरु शिखर से एक प्रश्न पूछा था और मैंने बताया था कि ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। तो ये वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली है। रायसीना हिल्स राष्ट्रपति भवन तक आती है ये राजस्थान से। एनएसजी के डायरेक्टर के बारे में प्रश्न था कि एनएसजी के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अनूप कुमार सिंह। 2019 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत किससे हारा? देखिए, अब मैं आपको यही बता रहा था करंट अफेयर्स, आप यहाँ से देखिए, मैं फिर से ले चलता हूँ आपको, आप आ जाइए यहाँ। ये क्वेश्चन, एनएसजी के डायरेक्टर जनरल कौन है? अनूप कुमार। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन, 2019 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत किससे हारा? तो न्यूजीलैंड से हारा, ये तो काफ़ी मतलब सबको पता ही है धोनी के आउट होने के बाद क्या हुआ था। तो ये भी एक करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? रोहित शर्मा को मिला है, और ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आईसीसी का जो टेस्ट क्रिकेट का अवार्ड मिला है क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वो मिला है पिट कमिंस को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो आपको याद रखनी चाहिए। करंट अफेयर्स के मैंने 3 क्वेश्चन आपको दिखा दिए। चौथा क्वेश्चन करंट अफेयर से, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 कौन था? तो ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की रहने वाली हैं, पर्यावरणविद हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड। इनकी एक स्पीच भी वायरल हुई थी जिसमें इन्होंने कहा था हाउ डेयर यू। ठीक है, तो ये टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 ग्रेटा थनबर्ग। 4 क्वेश्चन हो गए करंट अफेयर से। महाभियोग प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? प्रश्न ये था। तो देखिए, महाभियोग एक ऐसा प्रस्ताव है जो राष्ट्रपति को हटाने के लिए लाया जाता है। इंग्लिश में इस प्रोसेस को हम इम्पीचमेंट प्रोसेस कहते हैं। आर्टिकल 61 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बताता है इम्पीचमेंट की प्रक्रिया को। अब देखिए, इसके पहले पूछा था इसके पहले राष्ट्रपति के बारे में ही एक पूछा था ना आर्टिकल, इसके पहले वाले में, और इसमें पूछ दिया महाभियोग प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है। तो दोनों सदन, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, उच्च सदन और निम्न सदन, तीन दोनों में लाया जा सकता है। इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है? प्रश्न ये था, इन्फ्लुएंजा एक वायरल डिजीज़ है, तो ये वायरस के कारण होता है। अनुच्छेद 156 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 156 का संबंध गवर्नर के कार्यकाल से है। उत्तर प्रदेश ने किसी भी राज्य में जो गवर्नर होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 156 के तहत उनका कार्यकाल डिसाइड होता है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? ये प्रश्न भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। 5वां प्रश्न करंट अफेयर्स से। मैंने कहा आपसे कि करंट अफेयर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उसी में एक पार्ट ये है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान। तो इसका स्थान है 84, 84वां स्थान है। ब्रीडिंग ऑफ फिशेस को किस नाम से जानते हैं? 7 से 8 दिन पहले एक मैंने ब्रांच ऑफ साइंस करके वीडियो बनाया था, उसमें मैंने डिस्कस किया है कि ब्रांच ऑफ साइंस अलग अलग क्या है, ब्रीडिंग ऑफ फिशेस क्या होता है, फिर हनी बी के प्रोडक्शन के लिए क्या होता है, सिल्क के लिए क्या होता है, वो सब मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पीसी कल्चर। 107वां साइंस कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? देखिए, करंट अफेयर से 6ठा क्वेश्चन, 107वां साइंस कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु कर्नाटक। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका आयोजन हुआ है, और 108वां जो है अगला, वो पुणे में आयोजित होगा। किस राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीट है? रिपीटेड क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में 80 सीट है लोकसभा की, कुल 80 सीट है, और सबसे अधिक सीट इसी राज्य में है, उत्तर प्रदेश में ही। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? एक प्रश्न ये था। तो तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ, जब ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। और याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश से जब ये अलग हो गया, तो अगर जैसे ही ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तो दो अलग अलग राज्य बने, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश।
उसके पहले उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान पांचवा हुआ करता था। जब ये दोनों अलग हो गए तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य भारत का बन गया। लक्षद्वीप किस हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है? लक्षद्वीप का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो किस हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है, किस राज्य के हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है? तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य के हाईकोर्ट के अंतर्गत। अगला प्रश्न था, होडोंग मोनेस्ट्री कहाँ पर स्थित है? होडोंग मोनेस्ट्री कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिक्किम। सिक्किम में होडोंग मोनेस्ट्री स्थित है। इंग्लिश से एक दो क्वेश्चन मुझे पता है। सिनोनिम पूछा था किट का, तो किट का मतलब होता है कोई इंस्ट्रूमेंट हो, कोई इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है, टूल होता है, उसको हम किट बोलते हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। एंटोनिम पूछा था वर्सेटाइल का, वर्सेटाइल का मतलब होता है जो लिमिटेड नहीं हो, तो इसका एंटोनिम पूछा है तो इसका आंसर सीधे सीधे हो जाएगा जो लिमिटेड हो। तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे इंग्लिश के और खास करके जीके के, उसकी एनालिसिस हमने की। मैथ्स बहुत आसान आ रहा है, मैथ्स रीजनिंग सब आसान आ रहा है, 90 तक लोग कर रहे हैं, 90 मतलब करना चाहिए आपको अगर फाइट करना है तो सीट के हिसाब से, तो इतना तो आपके आने ही चाहिए, 85 से 90 क्वेश्चन तो आपके सही होने ही चाहिए। तो ये आज के पेपर की एनालिसिस थी 18 मार्च सेकंड शिफ्ट। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उससे जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।